चलो रेडी स्टार्ट शूटिंग शूटिंग का आखिरी दिन आज क्या आज का सीन क्या था? आज का सीन था नहीं है, अभी हम शूट कर रहे हैं। आज का सीन है कि व्योमकेश बख्शी को एक लाश मिलती है और ये कुछ इस तरह से मिलती है कि व्योमकेश सबको कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं। तो आज दुनिया को एक सबूत मिलता है कि व्योमकेश जो कह रहा है वो सही है कि कुछ गड़बड़ है, तो एक लाश मिलती है। व्योमकेश में पहले भी बहुत फिल्में आई है, क्यों इस कैरेक्टर ने आपको इतना फैसिनेट किया कि आप इस पे एक और फिल्म बना रहे हैं? मैंने एक्चुअली वो दूसरी फिल्मों का सोचा नहीं, मैंने 13-14 साल की उम्र में व्योमकेश की सारी स्टोरीज़ पढ़ी और शरदिंदु बैनर्जी हैं जो बंगाल के बहुत बड़े राइटर हैं, तो उनकी कहानियाँ पढ़ता था मैं छुप छुपा के बचपन में। तो तब से मेरे दिल में ये इच्छा थी कि मेरे को दिखता था कि शरदिंदु बैनर्जी ने जिस तरह की कहानियाँ लिखी हैं बहुत सिनेमैटिक हैं। तो 16-17 साल की उम्र से मेरे दिमाग में था कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा, ऐसा कुछ था, मतलब हवा में कुछ आइडिया था। तो उस टाइम से मैं सोचता था कि अगर व्योमकेश बख्शी पे अगर हम एक डिटेक्टिव स्टोरी बनाएं, डिटेक्टिव तो है वो है ही, अगर व्योमकेश बख्शी पे हम अगर फिल्म बनाएं तो भारत को अपना एक बहुत ही भारतीय डिटेक्टिव मिलेगा। क्योंकि हम जब भी कुछ डिटेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम बाहर की नकल कर देते हैं उसको, कभी शर्लक होम्स बना देते हैं, कभी जेम्स बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन व्योमकेश बख्शी एक ऐसा किरदार है जो लिखा ही गया था निहायत ही भारतीय, और एक ऐसे पीरियड में जब भारत और भी ज़्यादा भारतीय था, 40s में हम और ज़्यादा शायद हमारे रूट्स के साथ थोड़े से और हमारे लगाव थे। तो उस ज़माने में एक डिटेक्टिव जो अपने ज़माने से थोड़ा सा आगे भी चलता है, तो इसलिए मेरे को बहुत इच्छा थी कि ऐसी कोई फिल्म बनाने। तो सुशांत को इस कैरेक्टर के लिए क्यों चुना और उसका कितना डेडिकेशन रहा है और उसने क्या क्या प्रिपरेशन की? सुशांत को पहली बात इसलिए चुना क्योंकि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो बहुत यंग हो लेकिन उसकी आँखों में या उसके बात करने के लहजे में लगे कि वो दिमाग से बहुत आगे है, दिमाग का बहुत तेज़ और बहुत आगे है। क्योंकि एक 23-24 साल का लड़का जब वो ज़्यादा मैच्योर होता है तो एक अजीब सा एक कॉन्ट्रास्ट आता है, वो दिखने में बच्चा लगता है लेकिन उसकी आँखों में, उसके देखने में, उसके काम करने में, उसके लहजे में एक अजीब सी एक मैच्योरिटी होती है। तो मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी का एक अजीब सा एक मिक्स। तो सुशांत बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उनकी कैरेक्टर में, उनके कैरेक्टर में एक मिक्स है, वो यंग भी हैं और बहुत एक्सपर्ट एक्टर भी हैं। तो ये पहली बात मेरे को अच्छी लगी उनमें और इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया रहा मेरे लिए क्योंकि वो थे। और दूसरी बात ये है कि व्योमकेश का ये पहला केस है तो व्योमकेश अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड है व्योमकेश अभी भी। तो सुशांत में कुछ ऐसा है जिसमें अभी भी एक बचपना और इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी एक साथ मिक्स हो जाती है, तो इसलिए सुशांत बहुत मतलब भा रहे हैं इस पार्ट में। और सुशांत की डेडिकेशन तो मिसाल देने के तौर पे है क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। वो घर जाके अगर वो पूरी स्क्रिप्ट को या जो हम शूट कर रहे हैं वो अगर पूरा वो 3-4 घंटा बैठ के पूरा देख के अगर नोट्स नहीं बनाते तब तक वो शूट नहीं करते। इनफैक्ट एक दिन हमने उनको एक नया सीन दिया शूट के टाइम पे, उन्होंने कहा आज मैं ये नहीं शूट करूँगा क्योंकि मेरे को घर जाके प्रिपरेशन करना है, मैं प्रिपेयर करके फिर आऊँगा। तो वो इतने प्रिपेयर्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत फोकस्ड हैं और मुझसे ज़्यादा फोकस्ड हैं और किरदार के बारे में उन्हें मुझसे ज़्यादा पता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा। आपने कहा कि मतलब हम ज़्यादा हॉलीवुड से फैसिनेटेड होते हैं, हमें हमारे कैरेक्टर से ज़्यादा हॉलीवुड के कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सही बात है कि बॉलीवुड में एक है क्रेज़ हॉलीवुड का, कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपकी ये जो फिल्म आ रही है कितना लोगों को पसंद आएगी और कितना अटैच्ड होंगे लोग इस किरदार से? बॉलीवुड का बाहर से बाहर का क्रेज़ होना, इसमें बॉलीवुड कुछ अलग नहीं है, पूरे इंडिया को थोड़ा सा वेस्ट का क्रेज़ तो लगा ही हुआ है। तो ये तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी है, अब उसके बारे में कहना शायद इस इंटरव्यू में शायद सही नहीं होगा, लेकिन हाँ हम थोड़ा सा वेस्ट के पीछे भागते हैं और हम उनके जैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन व्योमकेश बख्शी निहायत ही हिंदुस्तानी है, निहायत ही भारतीय है, और वो कभी कलकत्ता से बाहर भी नहीं गया। 1943 में वो कलकत्ता में ही उसने पढ़ाई वढ़ाई की है और एकदम कॉलेज से निकला है। उसको ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और मेरे लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव कैरेक्टर है, क्योंकि अगर कैरेक्टर में सब कुछ अच्छा हो तो फिर मज़ा नहीं आता। कैरेक्टर की वीकनेस होती है, कैरेक्टर के अंदर कुछ इंटरेस्ट होता है, तब जाके मज़ा आता है। দিবাকর আপনি একটু আগে বললেন যে ভারতীয় ডিটেকটিভের কথা বলছিলেন, তো সেক্ষেত্রে তো ফেলুদা অনেক বেশি ভারতীয় নয় কি? না, সম্পূর্ণভাবে তাই। ফেলুদা নয় কেন, কেন ব্যোমকেশ? বিকজ আই বিন ওয়ান্টিং টু মেক ব্যোমকেশ, বিকজ আই থিঙ্ক ব্যোমকেশ ইজ ব্যোমকেশ পার্সোনালি ফ্যাসিনেটেড মি সিনেম্যাটিক্যালি, সো আই ওয়ান্টেড টু মেক ব্যোমকেশ, দ্যাটস ওয়াই। ইটস আ ভেরি সাবজেক্টিভ চয়েস। সো শান্ত কে লুক কে বারে মে হম জাননা চাহেঙ্গে। কোন সা স্টোরি লিয়ে হ্যায় ব্যোমকেশ মে তো বহুত স্যাড স্টোরি হ্যায়। ও আগার মে নে বাতা দিয়া তো ফির দর্শক আয়েঙ্গে উনকো পহলে সে পতা চল জায়েগা কিয়া হুয়া হ্যায়, তো মে নাহি বাতাউঙ্গা।